पूरा आपको डिवीजन मेथड, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, कैरी ओवर, आपको सब मैंने पढ़ा दिया। अभी थोड़ा सा हम फटाफट करेंगे क्योंकि आपको सारे पैटर्न्स मेथड्स मैंने फर्स्ट पेज पे बता दिए, 22 पेज पे। अभी लेंगे 23 वाला पेज। इफ़ द प्राइस ऑफ द कंपस बॉक्स इज 23, देन हाउ मेनी कंपस बॉक्सेस विल बी कॉस्टिंग 184। तो आपको क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है कि अगर प्राइस वन कंपस बॉक्स की 250 है, 23 है, तो कितने होंगे उनकी अलग वाले प्राइजेस। तो इसमें हम जाके देखेंगे तो कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, इनको हम 83 है तो इनको हम डिवाइड करेंगे, देन हाउ मेनी कंपस बॉक्स विल कॉस्ट 184। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा बी 8, बी होगा 8। तो ये हम डिवाइड करके मिलेगा। इफ़ वन बस इज़ कैरी 3 पैसेंजर्स, देन 6 बसेस कैन कैरी हाउ मेनी। तो ये होगा 192, 6 वाला पैसेंजर्स। ये कैसे होगा, बस वन बस कैन कैरी 32 पैसेंजर्स, देन 6 बसेस कैन कैरी कितने। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 192 आंसर। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर मिलना है। फिर है 18th वाला सम, 24 इंटू 18 करेंगे तो मिलेगा 473 आपको। अब स्टूडेंट्स हैं कितने हमारे पास ऑफ स्टैंडर्ड 4th और बस में जा रहे हैं पिकनिक पे। तो बच्चों 5 क्लासेस के हैं और 4th स्टैंडर्ड का है। अब ईच क्लास में 47 स्टूडेंट्स हैं आप अज्यूम करो, और 3 टीचर्स हैं। हाउ मैनी बसेज हैव कैपेसिटी ऑफ 50 ईच विल रिक्वायर एंड हाउ मैनी सीट्स विल रिमेन अनऑक्यूपाइड। तो ये बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सम है। थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर हम मिलेंगे इस सम के नतीजे पे। देर आर 5 बसेज ऑफ 4th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड की 5 बसें हैं हमारे पास। कितनी हैं, 5। तो हम लिखेंगे इनको, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 47। तो टोटल अमाउंट कितने हुए, 47 इंटू 5, तो हुए 225। नाउ 3 टीचर्स फ्रॉम ईच क्लास विल गो, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए 15। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 235 हो गए क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ टीचर्स है 15, अब होगा 250। तो नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ 50 सीट्स आर 50 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 5। सो 5 बसेस विल बी रिक्वायर्ड एंड नॉट अ सिंगल सीट विल रिमेन एम्प्टी। ठीक है, तो हमने कैसे स्टूडेंट्स को मिला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिले हमको, 47 को हमने मल्टीप्लाई किया तो मिले 235। फिर तीन तीन टीचर्स जाएंगे किसके साथ, 5 के कैपेसिटी के साथ, ठीक है, क्लासेस के साथ। तो हमको मिले 15 टीचर्स। अब उनको आपने डिवाइड करना है तो मिलेंगे 5, तो 5 और बसेस चाहिए हमको, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे, मोना गिव्स टू पेंसिल्स टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 49 वाला, 98 पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड। तो मोना ने 2-2 पेंसिल्स सबको देने हैं। क्लास में बच्चे कितने हैं, 49, और पेंसिल्स कितने देने हैं, 2। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, मिलेंगे 98। अब द बॉक्स हैज़ पेंसिल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल इट इज़ 13, सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो कितने हुए, 65 इन ऑल। 5 हैं और 13 बॉक्सेस हमें मिले हैं, एक बॉक्स में 5 शार्पनर्स हैं,
तो 13 बॉक्सेस में कितने होंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके मिलेंगे 65। ईच एवरी चिल्ड्रन इन द विलेज प्लांट्स 5 ट्रीज, इफ देर आर 150 इन अ विलेज, कितना होगा टोटल 750 इंटू, आप करेंगे 150 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ बच्चाओं ने कितने प्लांट किए हमारे ट्रीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अंकुर राइड्स हिज बाइसिकल, ये है हमारा 23rd वाला सम। अब 19 से लेके 20, 20 से लेके 21, 22 से लेके 23 हमने देख लिया है। सो इन वन वीक ही राइज्ड बाय कितना 105 किलोमीटर्स, क्योंकि उनके पास राइड द बाइक है 15 किलोमीटर्स, और एक वॉक वन वीक में कितने होंगे दिन, कितने होंगे दिन, 7 दिन होंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके 105 मिल सकेगा। तो इसके साथ हमारा 23rd वाला पेज ख़त्म हो गया। 24th पे हम देखेंगे कौन सा कैलकुलेशंस के साथ और करेंगे ताकि हमारे अदर सम्स भी हो जाए। तो इजी सम्स है बच्चों, आप सब लोग मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 24th पे दिया है हमको, ऑलरेडी किया हुआ है, असलम भाई डिस्ट्रीब्यूट 3 एप्पल्स टू ईच पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। इफ देर आर टोटल 120 पेशेंट्स, हाउ मेनी एप्पल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन टू वन पेशेंट इज 3, तो नंबर और कितने हैं 120 इंटू 2 कितने हुए 360। तो आपको लिखना है ये तो आपको आ गया कैसे करना है, बट ये आपको लिखना है therefore 360 apples are required। अब नेक्स्ट सम है कृष्णा डिस्ट्रीब्यूट 7 पेंसिल्स ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 115 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, हाउ मैनी टोटल पेंसिल्स डिड शी डिस्ट्रीब्यूट, तो कितने हुए नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू वन स्टूडेंट 7 एंड 115 इंटू 7 इज इक्वल टू 605, ये मिला। तो अब आपको यहाँ लिखित में देना है नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड इज 115 इंटू 7, देयर फॉर 805 पेशेंट्स, सॉरी पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड। तो बर्थडे में ये बड़ा मज़ेदार सॉल्व करके जाना बच्चों, ताकि आपको पता चले, क्योंकि चॉकलेट्स तो सभी खाते हैं, चॉकलेट्स नहीं देंगे तो चलेगा, बट सबको हम पेंसिल पेन देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कि कुछ किसी ने दिया। हाउ मैनी बॉल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 12 बॉक्सेस, इफ अ सिंगल बॉक्स हैज 25 बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड टू फिल 12 बॉक्सेज इज इक्वल टू 12 इंटू 25, 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 2 कितने हुए, नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बॉक्स इज 25, नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड इन फिल 25 बॉक्सेज 12 बॉक्सेज इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 25 तो हुए कितने 25 प्लस 10 और प्लस 25 इंटू 2 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। तो इनको हमने प्लस किया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो मिला 250, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो मिला 50, तो हो गया 300। तो 300 बॉल्स वर रिक्वायर्ड। तो बड़ा इजी और मज़ेदार सम था ये 26। आप 27 को देखेंगे, वन स्कोर ऑफ काइट्स हैव 20 काइट्स, सो हाउ मेनी काइट्स विल बी देयर इन 13 कोर्स, नंबर ऑफ काइट्स इन वन स्कोर इज 20, नंबर ऑफ काइट्स इन 13 स्कोर इज 1320,
तो हुआ 10 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 तो कितना हुआ 200। इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके हुआ 200 और इनको प्लस करके इनको मल्टीप्लाई करा 20 इंटू 3 तो हमें मिला 60। अब 200 प्लस 60 विल गिव यू 260। तो इसके साथ हम लिखेंगे 260 काइट्स आर देयर इन 13 स्कोर। तो नेक्स्ट इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग 36 एप्पल्स। ये हुआ हमारा 28 वाला सम, 28 वाला क्वालिटी इक्वली अमाउंट 6 किड्स, ईच किड शाल गेट 6। इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट किए 36 एप्पल्स, 6 है तो 6 6 36, तो ऐसे भी देख सकते हो। 29 डिस्ट्रीब्यूटिंग 42 तो 7 और ये 6, तो 7 गर्ल्स को 6 फ्लावर्स मिलेंगे बच्चों। 30 है तो 1 बास्केट है तो उनको 5 गुआवाज है तो दूसरे को 10 बास्केट्स मिलेंगे और 50 गुआवाज होंगे। ठीक है, 31 है तो फ्रॉम 56 जामुन्स वी कैन मेक 7 पैकेट्स ऑफ 8 जामुन्स ईच। ठीक है, 8 जामुन्स तो पक्के बनेंगे, अगर 56 है तो 7 पैकेट्स में 8 जामुन ऑफ 8 जामुन्स बनेंगे, 7 पैकेट तो उसमें से 7 पैकेट तो आराम से उतने तो बन ही जाएंगे। कितने 56 जामुन और उसमें से 8 तो पक्के बन जाएंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य है। फिर है 32, इफ़ वन बॉक्स हैज अकोमोडेटेड 8 टमाटोज, 8 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो ये टमाटोज रखने के लिए 8 बॉक्सेस चाहिए, तो उसमें अकोमोडेट 64 टमाटोज आसानी से हो जाएंगे। इसके साथ हमारा ये पेज नंबर 24 फिनिश हो रहा है बच्चों। हम देखेंगे हमारा 25th पेज जिसमें लिखा है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग 36 बनानास इक्वली 4 मंकीज, ईच मंकी कितना मिलेगा। तो डिवाइड कीजिए 36 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 9, ईच मंकी शाल गेट 9। ये आपको पक्का लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स सिर्फ हाफ मिलेंगे अगर सम 2 मार्क्स का है तो भी, क्योंकि ये सब लिखना ज़रूरी है। वैसे आपको समा ज़रूर आएगा, इजी है, लेकिन आपको ये लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। 34 वाला सम, इफ़ 50 मैंगोज आर रिक्वायर्ड इक्वली इन 7 बॉक्सेस देन हाउ मेनी मैंगो शाल वी हैव। तो देखिए बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है बच्चों। यहाँ पे देखना है हमें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग 50 मैंगोज इक्वली इन 7 बॉक्स, द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्सेस आर 70 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 10, देयरफॉर ईच बॉक्स विल हैव 10 मैंगोज। 35 वाला सम, इफ देयर आर 81 चॉकलेट्स इन द बास्केट आउट ऑफ दीज हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 9 चॉकलेट्स कैन बी मेड। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज 81, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन पैक्ड इन 1 पैकेट आर 9, तो नंबर कितना करेगा। देयरफॉर लिखना है नंबर ऑफ पैकेट 81 डिवाइडेड बाय 9 तो आपको मिलेगा 9, तो आंसर इज 9। तो इसके साथ 36 वाला सम, ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग 72 बुक्स इक्वली अमंग्स द चिल्ड्रन हाउ मेनी बुक्स शाल ईच चाइल्ड गेट। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग 72 बुक्स इन ईच चाइल्ड शाल गेट 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, तो ये आपको ज़रूर मिलेगा बच्चों। फिर है 37, 3 किलोमीटर्स कितने हुए 3000 किलोमीटर्स, 20 हैं तो कितने हुए 20,000 किलोमीटर्स। देखो हम काउंट करेंगे यूनिट 10,000, यूनिट 10,000 तो हो गए 20,000। आप
39 वाला है 7 किलोमीटर्स डैश, तो कितना हुआ, तो बी 7000 मीटर्स। फिर 40 मीटर्स, तो कितने किलोमीटर्स हुए, 4000 मीटर्स, तो कितने किलोमीटर्स हुए, सी 4 किलोमीटर्स। इसके साथ हमारा 25वां पेज ख़त्म होगा। 26 पेज पे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।